टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। रवायती कश्मीरी घर बनाने का आर्किटेक्ट कश्मीर के कुछ इलाकों में वापस आ रहा है। श्रीनगर के एक शहरी रमीज राजा ने मड हाउसेस बनाने की रीत को फिर से जिंदा करना शुरू कर दिया है। गेंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के इलाके कंगन में जदीद सहूलियात से रास्ता ऐसे घर बनाने का काम शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे ही तैयार करदा घर सयाहों की कशिश का मूजिब बन रहे हैं। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा है ना, क्या तो होगा ही, ज़्यादा भी ज़्यादा ही हो सकता है इससे। हाँ व्यूअर्स ये आइडिया बेसिकली हमारा जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हमारा ट्रैवल का काम है, तो उनकी डिमांड के वजह से वो कुछ ऑथेंटिक चाहते थे कि कश्मीर में कुछ जो यहाँ का कल्चरल है वो देखना चाहते थे। बस उसी की बेसिस पे हमने ये स्टार्ट कर दिया जी। तो क्या क्या अभी बनाया है इसमें आपने? अभी हमने खाली हट्स बनाए हैं, अभी तीन हमारे पास हैं, क्लूब नाम के, क्लूब नाम है इनका, और हमारे पास ये रेस्टोरेंट भी है, फुल फ्लेज रेस्टोरेंट है। तो जो अब हमारे पास जो टूरिस्ट आ रहे हैं स्टे के लिए, नाइट स्टे के लिए, तो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी हैं? फैसिलिटीज़ तो हमने बराबर रखी हैं जो बाकी होटल्स में रहती हैं, अंदर से तो बराबर जो कम्फर्ट होती हैं अच्छे होटल्स में। बाकी जो ये ऑप्टिक्स है बाहर का, जो मड का है, हे रूफ, ऐसे ये बेसिकली फ्यूजन है अपना कल्चरल का और मॉडर्निटी का, तो उसका रिजल्ट है क्लूब कॉटेज। मैंने तो फर्स्ट बार देखा, लेकिन दैट इज़ ऑल राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और दुआ करते हैं कि आगे और बने और अच्छा लगे हमें, क्योंकि जो इधर का क्लाइमेट है, ऐसा क्लाइमेट जम्मू में या कहीं भी नहीं मिल सकता है। भारत की 75 साल आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जारी है। ज़िला पुलवामा के स्कूलों में हर घर तिरंगा की मुहिम को पेंटिंग्स बनाने के एक मुकाबले की सूरत में मनाया जा रहा है। हमदानिया स्कूल में 100 से ज़ायद तलबा ने एक ऐसे मुकाबले में हिस्सा लिया। Thank you.
आजकल चल रहा है घर घर तिरंगा लहराने का, तो उसी वजह से हमें ये सब कुछ करने को मिला और हमें बहुत सी सीख मिली। इससे आगे हम इससे इम्प्रूव करेंगे और इससे अच्छा करेंगे। नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना हर फर्द पर लाजमी है, इसलिए इस जज्बे के तहत हमने अपने बच्चों को इस फ्लैग की अहमियत को समझाना है। ये एक कड़ी है जिस कड़ी के ज़रिए से हम बच्चों तक पहुंच पाते हैं कि पेंटिंग कंपटीशन के ज़रिए वो इसी फ्लैग को बनाते हैं जिसे उसको इस फ्लैग के साथ दिलचस्पी पैदा हो और मोहब्बत पैदा हो और जज्बा पैदा हो। हमने गांधी जी का स्केच बनाया और शहीद भगत सिंह का स्केच बनाया और नेशनल फ्लैग का स्केच बनाया। हम बहुत खुश हुए कि कोविड-19 के बाद हमें ये प्रोग्राम मिला। मैं चाहता हूं कि ये हर बार होना चाहिए क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है और इससे बहुत सीख मिलती है। हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब का और जितने भी यहाँ ऑफिशियल्स थे उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर बच्चों का जिनमें काफ़ी जोश और बलबला था इस आज़ादी के हवाले से। और आज के दिन के जो थीम था उनका, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही अच्छा और एक्सेलेंट तरीके से उसको निभाया। जम्मू कश्मीर में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने 5 रोज़ा ट्रेनिंग का अहतमाम किया। इसका मकसद नौजवान नस्ल में खेलों के जरिए ज़हनी उलझनों से दूर रखना है। आफ्टर कोविड दिस इज़ द फर्स्ट चांस। हमने बच्चों को अपने स्कूलों से निकाल कर एक ऐसी जगह पे टूरिस्ट स्पॉट पे लाया है जहाँ पे इनको थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश हम कर रहे हैं। बेसिकली ये स्काउट प्रोग्राम है, स्काउटिंग पुलवामा। तो दे वी हैव ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर कोविड। दिस इज फर्स्ट, इट इज़ अ 5 डेज कैंप। इन दिस कैंप जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। बेसिकली जो मोटो है स्काउटिंग का, उसका मतलब है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि बच्चों को दिमागी तौर से, फिजिकली तौर से, मेंटली उनको प्रिपेयर करना है फॉर दिस कि टू हेल्प अदर्स। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जरिए हमारा एक ट्रैकिंग कैंप हो रहा है यूसमर्ग में, 5 दिन का ये, और ये स्टार्ट हुआ फ्राइडे आफ्टरनून में हम आए एंड ये ट्यूसडे को क्लोज होगा। तो इस ट्रैकिंग कैंप में क्या है कि यूसमर्ग में बहुत सारी स्पॉट्स हैं जिधर पे हम ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। एंड बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इस कैंप की वजह से हम मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आता है, हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। Thank you.
आज हमारे यहाँ पे पुलवामा में स्काउट ट्रैकिंग कैंप मिला है। इससे हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है घर से बाहर जाने का, अपने आप को रेस्पॉन्सिबल प्रूफ करने का, क्योंकि घर में अगर हम जो भी कुछ करते हैं अपने घर वालों पर डिपेंड होकर करते हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपने आप पर अपनी बुनियाद पर हमें यहाँ पर कामें करने होती है। जम्मू कश्मीर पामपुर कस्बा की एक होनहार डॉक्टर समरीना सज्जाद ने अपने इलाके के लोगों की खिदमत को तरजीह देते हुए दूसरे मुल्कों के अंदर कारोबार करने की ऑफर्स को रद्द कर दिया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर समरीना सज्जाद की राय इस रिपोर्ट में। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी कि मैं बाहर जाती, सऊदी जाती, कुवैत जाती, दिल्ली जाती, तो बट आई डिडंट प्रेफर्ड एंड दे वर ऑफरिंग मी लाइक गुड, तो बट मैंने सोचा यहाँ ही करेंगे एंड कम करेंगे, कोई बात नहीं है, बट टू सर्व द पीपल ऑफ पामपोर्ट। तो आई होली एंड सोली डिसाइडेड टू ओपन माई यूनिट और हेयर। आई डू ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स लाइक इम्प्लांट्स, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स, डेंटल एक्सट्रैक्शंस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन माई क्लिनिक, लाइक डिजिटल एक्सरेज आर देयर। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम एन एस्थेटिक इंजेक्टर एंड आई परफॉर्म ऑल द प्रोसीजर्स लाइक PRPs, फेशियल्स, पील्स, हाइड्रा फेशियल्स आर देयर। मैंने रिसेंटली हमने 6-7 months हमारे क्लिनिक को हुए स्टार्ट करते हुए और मुझे बहुत गुड फील हो रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे हमारी मैम है डॉक्टर समरीन मैम, मुझे बहुत कुछ मिला उससे, उसके पास मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ पे नई नई एडवांसमेंट है, मतलब जो यहाँ पे पामपुर में उतनी एडवांसमेंट नहीं थी जो मुझे यहाँ पर मिली। आखिर में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं भारत की आजादी की तकरीबात के हवाले से।
आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।